ये ब्रेड पकौड़ा भी मिल गया, इस आदमी ने मेरी चम्मच छीनी थी, अब मैं बताऊंगा इसकी चम्मच छीन के। पर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और इतने अंधेरे में से हम निकलते हो, कहाँ जा रहे हैं पता है? वो खाने के लिए, ब्रेड पकौड़े खाने के लिए। और अबे तू जूते क्यों पहन रहा है? अच्छा जूते नहीं पहन रहा है, हम रात भर सोए नहीं है। पिछले वाले ब्लॉग की एंडिंग में मैं थोड़ा सा शेयर कर चुका था इस बात को, और सुबह के 4 बज रहे हैं और यहाँ पे ये नाटक चल रहा है भाई। ये पढ़ेंगे कल से मिड टर्म के लिए, ये पढ़ेंगे। देखो बैचलर्स लाइफ की टी शर्ट पहन रखी है इनने, अप्रिशिएट। और ये देखो भाई, सुबह सुबह वर्कआउट करते हुए भाई, सुबह जब माना जाता है वर्कआउट, जब तुम रात भर सोए हो फिर तुम टाइम पे जगे हो सुबह जगने के लिए। यहाँ बज रहे हैं 4, खाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़े, छोड़ दे चाबी तेरे पास है, क्या कह रहा है? छोड़ दे ऐसे ज्यादा। ओए नहीं नहीं छोड़े मत घर को, हम नहीं सो रहे। बोल भाई क्या ट्रेन वो सूख गई होगी ना पानी में भीगने के बाद। और ये कहाँ लेके जा रहा है तू, कौन है? मैं आराम से भाई। चलो तो राघव ने बाइक निकाल दिया, मैं भी स्कूटी। दे भाई स्कूटी निकाल दे। नहीं क्यों भाई, नहीं आती। ओए झूठ बोल रहा है तू, ये निकाल दे। नहीं गिराएगा, ठीक है भाई। अरे राघव चलाएगा, ये ले राघव। ये राघव घर का पूरा ख्याल रखते हुए अपनी सारे, भाई सबसे अमीर आदमी ये, सबसे महंगा सामान इसके पास, तो ये ध्यान रखता है। ये ले भाई स्कूटी का ध्यान रखेगा। सिक्योरिटी गार्ड हूं मैं। अब हम जा रहे हैं भाई ब्रेड पकौड़े खाने के लिए। हम प्लान करते हैं कि ब्रेड पकौड़े कैसे खाए जाएंगे, क्यों खाए जाएंगे, किस लिए खाए जाएंगे। चलो ठीक है, मैं बैठ चुका हूँ भाई, रुक जा उन लोगों को भी आने दे। आदर्श अब तो इजी ऑन हो भाई, तू मुझसे कुछ कहना चाहेगा? कुछ तो कह दे भाई, कभी तो कह दे, तेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं सब। चलो ठीक है, कोई कुछ नहीं कहना चाहता। अब हम जा रहे हैं ब्रेड पकौड़े की दुकान पर, फिर तुम हम दिखाते हैं हम कौन सी दुकान पर ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं सेकंड ईयर से। और तू कब से खा रहा है? ये खा रहा है फर्स्ट ईयर से, ये नींद में है यार। किस्मत ऐसी, ब्रेड पकौड़े खाने आए, दुकान ही शिफ्ट करवा दी सरकार ने बेचारे की। सरकार ने नहीं करवाई तो भाई, उसने ही करवाई है। वहाँ पे वो रोड वो टूटी है तो शिफ्ट तो करवाई होगी। अब पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ पे क्यों ले आ रहा है। अब हमारा प्लान चेंज हो गया है, अब हम सोच रहे हैं बंसल के आगे समोसे मोमोसे खा। भाई एक काम करें, रानी कमलापति चले। नहीं भाई रानी कमलापति नहीं जा रहे, ठीक है भाई यहीं कहीं कुछ खा लेते हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, अच्छा मिलेगा। तो अब हम ना बंसल हॉस्पिटल है एक, जो तुम्हारा शाहपुरा रोड पे ही है, वहीं पे जाके समोसे खाने की सोच रहे हैं। मैंने तो ट्राई किया नहीं भाई, ये जो भैया लगाते थे ब्रेड पकौड़े, जोरदार। मैं कभी ब्रेड पकौड़े नहीं खाता, मैं भी यहाँ पे आके खाता था, मैं समोसा भी खाता था, फिर उसके बाद जलेबी भी खाता था। पर अब मुझे यहाँ पे आके कुछ और खाना पड़ेगा, मिले ना मिले ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो अब हम आ चुके हैं बंसल के सामने, ये देखो ये रहा अपना सामने वाला इलाका। अब यहाँ पे हमें उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ मिल जाए हमको बस खाने के लिए, और नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है भाई, अब क्या कर सकते हैं, घर जाना पड़ेगा, भूखा प्यास से सोना पड़ेगा। अब ये देखो ये रही भैया की एक दुकान, मेरे को नहीं लग रहा भाई इन पे कुछ है अभी इस टाइम पे बना हुआ। चाय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, कुछ उबल रहे अभी नहीं है भाई यहाँ पे, मेरे को लग नहीं रहा कुछ है। भाई अटैक क्यों कर रहा है हमारे ऊपर तू, ये रही दुकान। कुछ खाने का ऐसा नहीं है, ब्रेड पकौड़ा समोसे वगैरह कुछ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रानी कमलापति, और हम आज खा के मानेंगे। रोड के उधर चलेगा भाई, उधर चल है ना राघव भाई, हमारे एक्सपर्ट पायलट, हमारे गाड़ी चला रहे हैं। एक बार इनने शताब्दी से रेस लगाई थी, फिर क्या था शताब्दी लेट हो गई। और ये रहा तुम्हारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और ये रही तुम्हारी बंसल वन की बिल्डिंग, और यहाँ पे मिलेगा हमें खाना। ये देख भाई राघव, टारगेट दिख गया तुझे अपना, अब यहाँ पे खाना मिलेगा, खाना खाएंगे हम। हमारे पता नहीं ब्रेड पकौड़े वाले भैया कहाँ चले गए, हम उन्हें ढूंढ रहे थे, वो हमें मिले नहीं। अब इस जगह पे लगाएंगे, और ये मिल रहा है भाई हमें खाना, ये भैया बेच रहे हैं पोहा, आराम से पोहा खाएंगे, मज़े लेंगे ज़िंदगी के। और ये रहा तुम्हारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। भाई भोपाल में कुछ भी रात में ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई, क्यों भाई राघव? सही बात है भाई, कुछ तो गलत बात होगी, सारी बातें सही हैं, सारी बात। चलो ठीक है भाई, और ये तुम्हारा स्टेशन है, कभी भी तुम भोपाल आओ ना तो तुम्हें स्टेशन के आगे पीछे ही ना होटल वोटल मिल सकते हैं, देखो रेस्टोरेंट वगैरह जो रात में बंद रहते हैं। क्या डिस्कशन कर रहे हो भाई तुम लोग? कुत्ता बैठेगा तू, क्यों क्या है बताना? ब्रेड पकौड़े मैं दिखाऊंगा भैया, अभी ब्रेड पकौड़े नहीं बन रहे। ये रुको भाई 2 मिनट, रुक मुझे 2 मिनट दे बस।
तो पोहा हमें मिल चुका है, ये आदमी भी पोहा खाएगा, ये भी पोहा खाएगा। अब मैं एक प्लेट पोहा खा चुका हूँ, मैं एक और प्लेट पोहा खा रहा हूँ। इन दोनों का बहुत ज्यादा मन था पोहा खाने का। ये देखो भाई, ले 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 ले, अभी तू ले, क्योंकि ये तेरे में ज्यादा आ गई है किस्मत से। ये नमकीन नहीं तो इतनी डालते नहीं है ये। ठीक है, आदर्श भी एक प्लेट पोहा ले रहा, मैं एक और प्लेट पोहा खाऊंगा। ये देखो ये वाली जगह है रानी कमलापति के बिल्कुल आगे। चलो तो फिर इसके बाद हम जाएंगे नर्मदा कैंटीन, नर्मदा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ढूंढेंगे कुछ मिल जाए तो खाने का, नहीं तो घर। ये ब्रेड पकौड़ा भी मिल गया। इस आदमी ने मेरी चम्मच छीनी थी, अब मैं बताऊंगा इसकी चम्मच छीन के। पर अच्छा, और मेरे लगा 1 लीटर तेल डाल देंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, उसके जस्ट आगे ब्रेड पकौड़ा। हमने खाना खा, खाम खाम में हम लगे पड़े हैं, ढूंढ रहे हैं भैया ब्रेड पकौड़े से कुछ और है अभी। अच्छा अब लो, समोसे मिल रहे हैं यहाँ पे, ब्रेड पकौड़े मिल रहे हैं। अब बता दो भाई, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल रहा। अब बता, मैंने कही थी हमारा तुमने मेरी बात क्या नहीं, मैं तो यहाँ आता, मुझे याद है, मैंने तो यहाँ पे पोहे खाए। और रुको एक मिनट, वो लौंडे कह रहे थे चम्मच नहीं है, तुम मेरे पे चेक कर रहे थे, उसने कह दी नहीं मिलते पूरे एरिया में ब्रेड पकौड़े, तुमने मेरे पे चेक किया? चम्मच नहीं है, चम्मच की बात नहीं कह रहा मैं भाई, उसने कहा था ब्रेड पकौड़े नहीं है, इसने मान लिया था, मैं झूठ बोल रहा हूँ? भाई मैं तुम्हारी वजह से मान रहा था, तुम मेरी वजह से भूखे रहे थे इसलिए। सेल्फ डाउट तेरा, तू तो भरोसा नहीं तेरे को। भाई नहीं होता तो मैं कैसे लाता तुम्हें ब्रेड पकौड़े तक? कैसे लग रहा है खाना, कैसा लग रहा है खाना, कैसा लग रहा है? ठीक है। ओए इसको हटाओ, गेम में से हटाओ इसको, साला हर चीज ठीक बता देता है। वो चटनी कैसी, मिर्ची वाली? भाई खा के देख लेना इसके में से एक। ओए मिर्ची अलग से दी उसने, रुक जा भाई। अब मैंने सब कुछ दूर दिया है, समोसे नहीं मिले भाई, राजा सो गया होगा अब तक, उसके लिए ले जाता मैं। ये आदमियों को शर्म नहीं है, दोपहर में उठे हैं 1-1 बजे और देखो खाने लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये देखो ये भी खाने लग रहा है। झूठ बोल रहा है ना, अभी सुबह 8 बजे हुए। अच्छा ओके, धूप है? धूप तो भोपाल में है ही नहीं। ये देखो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, फोन बंद कर, झूठ बोल रहा है। 14:20 हो रहा है, ले भाई तो उसमें बज रहा है भाई। मैंने तो भी एक बोला था, तुम्हारे पास तो 14 बज गए। अब तुम खा नहीं रहे नाश्ता? ये देखो ये भी ये देखो ये भी कर रहा है, ये नहीं खा रहा भाई। भाई मैंने एक मिनट, ये मेरा नाश्ता है, मैं बाद में दिखाता ना, अच्छा है मेरा। देखो इसमें चाय पत्ती डाल दी है किसी ने, है ना, इसे मैं खा रहा हूँ, मैंने माना मैं खा रहा हूँ, तू खा अपना। ओ भाई 1 सेकंड रुको, ये देखो भाई 27 अगस्त 2023 को जब म्यूजली एक्सपायर हुई थी, आदर्श दिल पे ले गया बात को, कह रहा भाई ऐसे कैसे एक्सपायर हो गई, मेरे पास रहते रहते एक्सपायर हो गई। तो आज कौन सी तारीख है? सितंबर चल रहा है, चलो एक्सपायर हो चुकी है 10 तारीख एक्सपायर होने के 10 तारीख, 27 को एक्सपायर हुई है, 10 को खा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई परेशानी हो रही तुझे खाते हुए? टेस्ट में कोई फर्क पता चल रहा है? अभी तो ना हो रही भाई, अभी तक कुछ सब ठीक है ना। अगर ये आदमी बच गया, अगर ये आदमी आज इसे खा के बच गया तो अगली वीडियो में जरूर दिखाई देगा। चलो तो हम खा लेते हैं, ये दोनों खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगा, ये रहा मेरा खाना। कितनी प्यारी धूप निकल रही है बाहर, भोपाल में धूप निकल रही है, मजाक नहीं कर रहा, ये देखो सच में धूप निकल रही है। ठीक है, ये देखो दीवार पर तुम दिख रही होगी धूप, बारिश वारिश कहीं नहीं है, और यहाँ रही सी की हदें पार हो रही है, भरी धूप निकल रही है भाई बाहर, इतनी धूप है। ये देखो ये कह रहा जॉकी है तो हेयर ड्रायर सुखाऊंगा, धूप में नहीं सुखाऊंगा, कलर फीका पड़ जाता है भाई बाहर। देख कितनी तेज धूप निकल रही है, रस्सी बांध लेगा तू आज? ये देखो वो पढ़ाई कर रहा है कल के एग्जाम के लिए, ये कच्चे सुखा रहा है, ये देख रहा है मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल से हमारा एग्जाम शुरू है, अब हम पढ़ाई कहाँ करेंगे, तो तुम्हें देखने मिलेंगी ऐसी चीजें। देखो भाई मैं जॉब आता नहीं हूँ, टीचरों की खा, स्टूडेंट्स की जॉब होती है, IHM में आके स्टूडेंट सिर्फ एक ही, एक मिनट रुक जा, IHM में आके स्टूडेंट सिर्फ एक ही जॉब लेते हैं और एक ही जॉब देते हैं, और वो है ना। तो देखो भाई ये रईस लोग ऐसे काम करते हैं, तू भी रईस है तो तू क्यों खड़ा? मैं तो देख रहा हूँ भैया, कभी देखने मिले ना मिले आगे चल के कभी इन फ्यूचर, वो लाइट लास्टिक ढीली हो जाएगी कच्चे की, ठीक है पहने को उतर जाएगा। वो याद है अपना चड्डा, याद है वो कौन सा चड्डा था वो तेरा, वो कौन सी कंपनी का था इसका, मैं तो भूल गया, जो नीचे तक लटका रहता था, जब तू भागता था तो उतर जाता था, नारा नहीं मानता था तू जब।
इतने दिनों के बाद हमारे घर में खाना बन ही गया और खाना भी बना इतने तो तेल में 25 आलू के पराठे बन गए 25। कुछ कहना चाहेगा? 50 ग्राम तेल में कहा हमने एक हफ्ते में 1 लीटर तेल पी लिया। इसने पिया था, ये आदमी घर में अकेला था भाई। कैसे तेल पिया तूने? घट 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 खाने के साथ नहीं पिया इसने, खाना तेल के साथ नहीं बनाया इसने, तेल में क्या बोलूँ मैं तो, खाने में तेल डाला था या तेल में खाना डाल दिया था भाई तूने? भाई सुन ये बात डाल दो वही तो। क्यों क्यों भाई अपना ये हेल्प कर दियो, कंफ्यूजन चल रहा था मेरे दिमाग में। क्यों भाई कंफ्यूजन चल रहा था भाई? हाँ वो डालते हैं हम तो, अनफॉलो कर देंगे। नहीं भाई ब्लॉक कर, रिपोर्ट कर देंगे। क्यों भाई कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? क्यों खाना तेल में डलता है और खाना में भी तेल डलता है? मत कोशिश कर भाई। ठीक है भाई नहीं कोशिश कर। तेरे घुटने हिला कैसे दिया? क्या घुटने कैसे हिला दिया भाई? यही है चाकू ही हिलाया। चाकू मेरे को मिला नहीं इसलिए नहीं ले पाएंगे। अच्छा क्या है मिल गया दोनों? क्या भाई मुझे नहीं मिला, मैंने दोनों रख लिए। अब बता क्या रख लिया? तो घुटने क्या तू कैसे रख रहा है? क्यों भाई तुझे तेरी मजबूरी है चाकू लाना, हमारी मजबूरी नहीं थी। हमारा तो मुझे मिली नहीं है, मिला नहीं ना चाकू इसलिए नहीं लाया मैं। हाँ मिल जाए फिर भाई, ये मेरे घुटने के पीछे पड़ गए यार। ये देखो बेचारे के साथ क्या क्या कर रहे हैं वो, क्या ब्लड बुल रेड बुल भाई जिस जिसको याद है भाई, जिसने पुणे टू भोपाल वाला ब्लॉग देखा होगा उसको ये चीज याद होगी। रेड बुल भाई, रेड बुल लिटरली गिव्स अस मैन भाई घूट घूट कतरा कतरा भाई, मतलब उसका 0.1 ग्राम भी फील हुआ गले से नीचे, गले से नीचे देवास से यहाँ तक आते समय। उसके बाद तो हमें ऐसे विंग्स मिले, हमें टोल भी नहीं दिखाई दिए रस्ते में। चलो ठीक है भाई अब लग रहे हैं, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल का पेपर है, पता उनको देख तो रहा है सब कुछ, मौज ले रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। कल का पेपर है भाई, उसके लिए पढ़ रहा है, बहुत तो कुछ बचा नहीं जीवन में। चलो भाई रख रहे हैं, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब कल मिलते हैं, अब पढ़ाई करेंगे रात भर, कल देंगे फूड प्रोडक्शन का एग्जाम। और हम नहीं कर रहे पढ़ाई, हम सो जाएंगे।